हर कोई सोचता है कि अगर वो 15 से 16 घंटे पढ़ेगा सिर्फ तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और अच्छे नंबर ला पाएगा। लेकिन ज्यादा देर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर ली। अगर आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन फोकस से नहीं पढ़ रहे हो तो उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप 16 घंटे में जितना पढ़ रहे हो सकता है उतना कोई 6 से 7 घंटे में ही पढ़ ले रहा हो, तो वो इंसान ज्यादा अच्छे से और प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। और प्रोडक्टिविटी के साथ तभी पढ़ा जा सकता है जब पढ़ाई में आप अपना पूरा ध्यान लगा कर पढ़ो, पूरे फोकस से पढ़ाई करो। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से कोई भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चाहे लाइक करो या ना करो, पर लास्ट तक देखना जरूर। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, पढ़ाई को एंजॉयबल बनाओ। जब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हो तो क्या तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, या जब आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है? मुझे लगता है नहीं होती होगी, है ना। लेकिन फिर पढ़ाई करते टाइम फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, पर वीडियो देखना और दोस्तों के साथ मस्ती करना ये काम बोरिंग नहीं होते, इसलिए इनमें बिना एफर्ट लगाए ही फोकस हो जाता है। तो अगर आप किसी तरह से पढ़ाई को अपने लिए थोड़ा एंजॉयबल बना पाओ तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करना काफी आसान हो जाएगा। तो पढ़ाई को एंजॉयबल कैसे बनाएं? इसके दो बेस्ट तरीके हैं, स्टडी टॉपिक्स विद मॉडरेट डिफिकल्टी। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ने बैठोगे जो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगते हैं तो आपका बोर होना एक ऑब्वियस सी बात है। देखो, हमारे माइंड को थोड़े चैलेंजिंग कामों में मजा आता है, इसलिए कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो। इससे उसको पढ़ने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। स्टडी इन शॉर्ट पीरियड्स, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर पढ़ता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस लेवल्स कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए एक घंटा पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इसका फायदा ये है कि आपके दिमाग में ये बोझ नहीं रहता कि मुझे 10 घंटे लगातार पढ़ना है, बल्कि आप बस अगले 1 घंटे ध्यान से पढ़ने पर ध्यान देते हो, जिस वजह से आपको पढ़ने में मजा भी आता है। तो पढ़ाई के बीच में छोटे मोटे ब्रेक जरूर ले लिया करो। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल कॉस्ट्स। देखो, अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसकी मदद से मैं पढ़ाई भी अच्छे से करता रहूं और सोशल मीडिया भी चलता रहे और दोस्तों के साथ पार्टी भी होती रहे, तो दोस्त ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा यानी ऑपोजिट होता है डिस्ट्रैक्शन। इसलिए अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो पहले डिस्ट्रैक्शंस को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शंस भी दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और दूसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में होती है। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जहां आप रहते हो, आपका कमरा, या जहां भी आप पढ़ाई करते हो उस जगह के आसपास कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो कि आप पढ़ने बैठे और अचानक से आपके छोटे भाई ने टीवी चालू कर दिया। अब आपका ध्यान पढ़ाई में कम और टीवी की तरफ ज्यादा लगेगा ना। या आप पढ़ने बैठे और अचानक आपकी माँ कुछ खाने को ले आई, अब आप पढ़ाई छोड़कर खाने में लग गए, तो ये सब आपकी फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो गई। और आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा और इन्हें कम करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हो? आप पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरे में पढ़ सकते हो और आपके भाई बहन और आपकी माँ को आप बता सकते हो कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है और इस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब बात करते हैं दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शंस की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके गैजेट्स, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी वगैरह। इन डिस्ट्रैक्शन से बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन हमें अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचते हैं और एक बार इनके चंगुल में आप फंस गए ना तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में सबसे कॉमन है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ज्यादातर लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो अचानक से फोन में नोटिफिकेशन आता है, वो फोन उठाते हैं, देखते हैं किसी दोस्त ने रिप्लाई किया है, सोचते हैं बस ये एक रिप्लाई देख के फोन बंद कर दूंगा, लेकिन उस एक रिप्लाई के चक्कर में कब घंटों बर्बाद हो जाते हैं पता तक नहीं चलता। और इसलिए जितने भी टॉपर्स निकल कर आते हैं ना, उनमें से ज्यादातर यही बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दिया था या ना के बराबर इस्तेमाल किया था। तो अगर आप भी फोकस से पढ़ना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो। जब पढ़ने बैठो तो फोन को साइलेंट करके कहीं दूर किसी दूसरे कमरे में रख दो। नंबर 2, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल।
अगर आप ये सोचते हो कि लाइफस्टाइल का पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता और आप चाहे जैसे रहो, एक्सरसाइज करो या ना करो, अच्छा खाना खाओ या ना खाओ, अच्छी नींद लो या ना लो, लेकिन फिर भी आप दिन में फोकस से पढ़ाई कर लोगे, तो आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल से बॉडी और माइंड हेल्दी रहते हैं, जिससे पढ़ाई जैसे मुश्किल कामों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। कई रिसर्चेस में ये प्रूव हो चुका है कि एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के फंक्शंस फास्ट और शार्प हो जाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी। मेडिटेशन तो फोकस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। दिन में 10 से 15 मिनट निकाल के मेडिटेट जरूर करो। अच्छा खाना खाओ जो आपकी एनर्जी बढ़ाए, जैसे फल, हरी सब्जियाँ। शुगर को कम से कम खाओ, एकदम से एनर्जी देती है, लेकिन थोड़ी देर में एनर्जी एकदम से डाउन भी हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग और माहौल दोनों शांत होते हैं, तो पढ़ने के लिए एक अच्छा समय होता है। तो इस तरह से अगर आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपका पढ़ाई पर फोकस करना आसान हो जाएगा। नंबर 1, हंगर फॉर स्टडी। एक बार मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था, जनरल बोगी में बैठा हुआ था, और आप लोग तो जानते ही हो कि जनरल बोगी में कितनी भीड़ होती है, लोग कितना धक्का मुक्की करते हैं यार। तो मैं ऊपर वाली सीट पर चढ़ गया और बैठ गया। मेरे पीछे एक और लड़का था, वो भी ऊपर चढ़कर बैठ गया और किताब निकालकर कुछ पढ़ने लगा। नीचे लोग बहस करने में लगे हुए थे और शोर शराबा कर रहे थे, ऊपर से ट्रेन की खड़खड़ की आवाज भी हो रही थी। लेकिन मैंने देखा कि जो लड़का मेरे साथ बैठा था, वो बिना किसी चीज पर ध्यान दिए किताब को पढ़े जा रहा है। पूछा तो उसने बताया कि बैंक के किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और कुछ दिनों में उसका एग्जाम था। तो वहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि कोई भी चीज आपको पढ़ाई से तब तक डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर पढ़ने का एक जुनून हो, अंदर एक आग हो कि चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना है। जितना मैंने आज डिसाइड किया है उतना सिलेबस पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग इस चीज को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं कि अरे यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा मैं। और इस पर मुझे मार्कस एरीलियस का एक फेमस कोट याद आता है। उन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी आपका कंट्रोल सिर्फ अपने माइंड पर है, बाहर क्या हो रहा है इस पर नहीं। दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर पढ़ने की एक आग पैदा करो। जब आग होगी, जब पढ़ने की भूख होगी, तब कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने से नहीं रोक पाएगी और आप पूरे फोकस से घंटों तक पढ़ाई कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से सभी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। नंबर 4, मेक स्टडी एंजॉयबल। दोस्तों के साथ घूमते समय और यूट्यूब पर वीडियो देखते समय लोगों को फोकस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पढ़ते समय दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई लोगों को बोरिंग लगती है। इसलिए अगर आप किसी तरह से पढ़ाई को एंजॉयबल बना पाओ, तो आप पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हो। इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला, स्टडी सब्जेक्ट with moderate difficulty, यानी वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपको थोड़े चैलेंजिंग लगते हो, क्योंकि हमारे माइंड को मीडियम डिफिकल्टी के चैलेंजेस में मजा आता है। दूसरा, पढ़ाई के बीच में 5 से 10 मिनट के शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो, जिससे आपका माइंड ज्यादा ओवरलोड ना हो और आपको पढ़ने में मजा आए। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल कॉस्ट। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा होता है डिस्ट्रैक्शंस, इसलिए किसी भी हाल में डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा, तभी आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे। डिस्ट्रैक्शंस दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, यानी आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, तो उन लोगों को बता दो कि ये आपके पढ़ने का समय है और इस टाइम आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और दूसरी, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, यानी आपके गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, पीसी वगैरह, इनको भी दूर रखो। नंबर 2, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पढ़ाई तभी कर पाओगे जब आपने शरीर और दिमाग को भी सही खुराक दोगे, इसलिए हर दिन एक्सरसाइज करो, थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन करो, आपका फोकस लेवल बढ़ेगा और पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। खाना ऐसा खाओ जो पढ़ने के लिए एनर्जी दे, जंक फूड से दूर रहो, ये सब चीजें तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं यार। और आप जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, तो ये आपको फॉलो करनी ही होंगी। नंबर 1, हंगर फॉर स्टडी। जब किसी काम को करने का जुनून होता है, तलब होती है, तो फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी इंसान आपको वो काम करने से नहीं रोक सकता। मैंने कई लोगों को डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में भी पढ़ते देखा है और वो फिर भी ध्यान लगाकर पढ़ लेते हैं। इसलिए सबसे पहले ये देखो कि आपके अंदर पढ़ाई का वो जुनून है कि आप किसी भी हालत में पढ़ सकते हो, क्योंकि हालात हमेशा एक से नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं और अक्सर उन पर हमारा
काबू भी नहीं होता है। जैसे कि मार्कस एरिलियस ने कहा है, हमारा काबू बस खुद पर होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है तो पढ़ाई के लिए अंदर से वो आग, वो भूख पैदा करो कि आप जब तक पूरा पढ़ नहीं लेते तब तक चैन से बैठोगे नहीं। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियोस पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।